Our school is organizing online classes and I will be taking classes for English subject. And today I will teach you lesson 4, in the Kingdom of Fools, page number 19. Let's start. In the Kingdom of Fools, both the king and the minister were idiots. तो यहाँ पर एक साम्राज्य के बारे में बात चल रही है, जिस साम्राज्य में बोल सकते हैं पहले के जमाने में, तो वहाँ की जो राजा थे और वहाँ की जो मिनिस्टर यानी मंत्री थे, वो सारे के सारे कैसे थे, इडियट्स थे, यानी कि मूर्ख थे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग, मतलब कि उन्हें ये भी नहीं जानते थे वो कि चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करें, तो वो उनसे मतलब भागने की कोशिश करते थे, चीज़ों को उन्हें सॉल्व करना नहीं आता था। सो दे डिसाइडेड चेंज नाइट इंटू डे एंड डे इंटू नाइट, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, रात को दिन में बदल देते हैं और दिन को रात में बदल देते हैं। टिल देयर फीट्स नहीं सो दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवॉक अवेक एट नाइट टिल देयर फीट्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। तो उन्होंने चारों तरफ सबको, जितने भी लोग बाग थे उनको सबको ऑर्डर दे दिया कि जब रात का टाइम आएगा तब आपको सारे बिजनेस करना है, खेती करना है, ये सारी चीज़ें करेंगे, और जब दिन का टाइम आएगा तो आपको क्या करना है, सोना है। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ, और अगर कोई भी राजा की बात को नहीं मानता है तो उसको मृत्युदंड की सजा मिल जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर टू डेथ, अब सारे लोगों को ये करना जरूरी हो गया कि हम रात को काम करेंगे और दिन में सोएंगे, क्योंकि सबको डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हमने बात नहीं मानी और राजा हमको मार दे। द किंग एंड द मिनिस्टर बट डिलाइटेड टू द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, अब सब लोगों ने जब राजा और उनके मिनिस्टर की बात मानी तो राजा और जो उसका मिनिस्टर थे वो बहुत खुश हो गए कि हमारे काम से सब लोग क्या है, बहुत खुश हैं, सब बात को मान रहे हैं। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी, एक दिन क्या हुआ, जिस जो किंगडम था उसमें एक गुरु आए और उनका एक डिसिपल यानी कि उनके शिष्य आए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट इट, उन्होंने कहा ये सिटी तो बहुत अच्छी है बट यहाँ पर तो कोई नहीं है, क्योंकि दिन के टाइम बहुत अच्छा दिख रही थी सिटी और कोई भी वहाँ पर नहीं था, तो उन्होंने कहा हम किससे किस बारे में बात करें क्योंकि यहाँ तो कोई है ही नहीं। एवरीवन वाज असलीप, क्योंकि सभी लोग दिन के टाइम सो रहे थे। नॉट अ माउस स्टिरिंग, यानी कि वहाँ अपन देखते हैं तो कोई चूहा तक नहीं भटक रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यानी कि जो पशु रहते हैं ना, काऊ रहती है, डॉग हो, कैट हो, यहाँ सब के सब क्या करते थे, दिन में सो जाते थे। द टू स्ट्रेंजर वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वेंडर्ड अराउंड डाउन टाउन टिल इवनिंग, अब वो दोनों स्ट्रेंजर थे, गुरु और उसका डिसिपल, तो वो सारे शाम तक क्या हुए, वो गाँव में घूमते ही रहे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business, रात का टाइम जैसे हुआ सारे के सारे वो राज्य साम्राज्य के सारे लोग जाकर और सभी लोग अपने अपने बिजनेस में लग गए। The two men were hungry, वो दोनों लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे। Now that the shop were open, सारी दुकानें खुली, they went to buy some grocery, उन्होंने सोचा कि चलो कुछ खाने पीने का सामान ले लें। To their astonishment, they found that everyone got the same, a single whether they brought a measure of rice or a branch of banana, it cost a। तो अब वहाँ पर क्या था, कोई भी सामान ले लो अपन, या राइस ले लो या फिर अपन को कोई छोटा सामान लेना है, बड़ा सामान लेना है, सबकी प्राइस सेम थी। जैसे कोई 5 रुपए का आ रहा है तो दूसरा भी 5 रुपए का आ रहा है, यानी कि सारी दुकानों पर सबकी प्राइस सेम थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, अब जो गुरु और उसका शिष्य था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनिमल लाइक दिस, दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड टू फॉर अ रुपी, यानी कि वो जो कुछ खाना चाहते थे उन्होंने वो सारी चीज़ें खरीदी और उसके लिए उनको केवल 1 रुपए देना पड़ा। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने उस खाने को पकाया और खाया, the guru realized that this was a kingdom of fools and it would not be a good idea for them to stay here. तो जो उस डिसिपल के गुरु बोलते हैं उन्होंने बोला कि ये तो जो मूर्खों का साम्राज्य है, तो यहाँ पर तो अपन को रुकना भी नहीं चाहिए, अपन को यहाँ से चले जाना चाहिए। There is no place for us, let's go, कि हमारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। He said to his disciple, उन्होंने अपने शिष्य से ऐसा बोला। बट द डिसिपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन उनका शिष्य जो था वो इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, यहाँ पर सब कुछ बहुत सस्ता है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, द गुरु सेड, तो उन्होंने मतलब अपने गुरु से बोला कि यहाँ पर सब कुछ इतना सस्ता है, खाना भी सस्ता है, कोई भी चीज़ अपन ले लेते हैं। तो उनके फिर गुरु बोलते हैं, दे आर ऑल फूड, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मूर्ख हैं,
they won't last very long. यहाँ वो लोग कुछ लंबे समय तक यहाँ पर नहीं रह सकते हैं. एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट. और तुम ये भी नहीं बोल सकते हो कि अगला वो क्या करने वाले हैं. कुल मिलाकर यहाँ पर सब लोग इतने मूर्ख थे, राजा की बातों को मानने वाले थे, क्योंकि राजा को इतना दिमाग नहीं था कि वो कैसे अपना राज्य चलाए. बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरु विजडम, ही वॉन्टेड टू स्टे. तब आपको जो उनका डिसिपल यानी कि शिष्य था, उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी और वो बोले कि मैं तो यहीं पर रहूँगा और मैं आपकी बात नहीं मानूंगा. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू व्हाट यू वांट. तो उनके गुरु ने भी बोल दिया कि तुम जो भी कुछ करना चाहो तुम करो. आई एम गोइंग एंड लेफ्ट, मैं यहाँ से जाता हूँ और वो वहाँ से चले गए. यानी कि गुरु वापस से दूसरे गांव चले गए और उनका जो डिसिपल था वो यहीं पर रुक गया. द डिसिपल स्टेड ऑन एट हिज फिल एवरी डे बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रो फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्क्वायर फुट. अब वो रात में सब कुछ सस्ता मिलता था खाने के लिए, घी था और राइस था, इसके अलावा बनाना थे, तो दिन भर खाता रहता था. वो खाते खाते इतना मोटा हो गया जैसे कि एक बुल वगैरह रहती है ना, गाय भैंस वगैरह, इतना मोटा वो हो गया. वन ब्राइट डे, एक दिन, अ थीफ ब्रॉक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस. एक जो चोर था ना, वो दिन के समय एक व्यापारी था उसके घर में घुस गया. He had made a hole in the wall and snagged in. And as he was crying out of his loot, the wall was the old house collapsed on his hand and killed him on the spot. अब क्या हुआ? उसने एक दीवार में होल कर लिया और होल में से उस मर्चेंट के घर चला गया. अब जब बाद में वो सारा सामान लूट कर वापस आ रहा था, तो वो दीवार अचानक से क्या हुई? उस थीप के यानी कि चोर के ऊपर गिर गई और वो चोर वहीं के वहीं मर गया. His brother ran to the king and complained. अब उसके साथ में उसका भाई भी था चोर का, तो वो जल्दी से भाग के राजा के पास पहुंचा और उसने कहा, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a ball fell on him and killed him. तो उसने भी राजा के सामने झूठ बोला कि मेरा जो भाई है ना, वो यहाँ पर अपना कोई पुराना काम करने के लिए आया था और दीवार अचानक से उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया. This merchant is to blame. और सारी की सारी जो गलती है वो व्यापारी की है. मतलब खुद तो चोरी करने के लिए गया, गलती से मर गया और इल्जाम किस पर लग रहा है? व्यापारी पर. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for the justice. तो उन्होंने बोला कि अगर इसको अच्छी पक्की दीवार बनानी चाहिए थी, जो स्ट्रॉन्ग दीवार हो, अब आप इसको पनिश करिए क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा गलत किया है. वो दीवार मेरे भाई के ऊपर गिर रही है और मेरी फैमिली को जस्टिस दिलाइए. द किंग सेड, तब राजा ने बोला, जस्टिस विल बी डन, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा, डोंट वरी, चिंता मत करो. एंड एट वंस समोन द ऑनर ऑफ द हाउस. जाओ और उसने अपने मतलब जो मिनिस्टर वगैरह थे सेवक उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि जाओ जो मर्चेंट है व्यापारी है उसको यहाँ पर लेकर आओ. When the merchant arrived, the king questioned him. अब व्यापारी वहाँ पर आया जिसके घर की दीवार गिरी हुई थी और राजा ने उनसे पूछा, What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? अब वो सच एंड सच योर हाईनेस. अब उसने अपना नाम बताया. But you at home when the dead man burgled your house. मतलब कि ये जब इंसान मरा हुआ था तब तुम कहाँ पर थे? Yes, my lord, he broke in and wall was weak, it fell on him. तो उसने बोला कि इसने मेरे घर की दीवार तोड़ दी और वो दीवार कमजोर थी इसलिए वो यहाँ पर गिर गई. The accused pleads guilty, you will kill the man's brother, you have murdered a man, we have to punish you. तो उन्होंने बोला कि तुम्हें गिल्टी फील करने की ज़रूरत है, राजा ने कहा, क्योंकि तुमने इसके भाई को एक तो मार डाला है, अब तुम एक मर्डर हो इसलिए तुमको क्या करना पनिश किया जाएगा. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उसने बोला, अब लॉर्ड बोल किंग को अच्छे सम्मान से उसने लॉर्ड बोला, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने इस दीवार को नहीं बनाया है. इट्स रियलिटी द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम. तो उसने बोला मेरी तो कोई गलती नहीं है, ये जो दीवार बनाई है दीवार बनाने वाले की गलती है, उसने कमजोर दीवार बनाई इसलिए वो गिर गई है, इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, उस आदमी को ही पनिश करना चाहिए. हु इज दैट, तो उसने किंग ने पूछा कि भाई कौन है. My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. तो उसने बोला कि एक व्यक्ति है जो मेरे पापा के टाइम पर था, उसने ये दीवार बनाई थी, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया और यही पास में रहता है. The king sent out messenger to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. तो अब पास में उसने अपने मैसेंजर को भेजा और उसने उस जो बूढ़ा आदमी था उसको बुलाया, उसके हाथ पैर बांध के और उसको वहां पर ले आया राजा के दरबार में. द किंग, सॉरी, यू हियर, डिड यू बिल्ड द मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम. तो राजा ने पूछा कि तुम
जो मर्चेंट है उसके पापा के टाइम में क्या कोई दिवाली वहाँ पर मनाई थी? यस माई लॉर्ड आई डिड। तो उसने बोला हाँ मैंने दीवार तो बनाई थी। वॉट काइंड ऑफ द वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट? इट हैज फॉलन ऑन द पुअर मैन एंड किल्ड हिम। यू हैव मर्डर्ड हिम, वी हैव टू पनिश यू डेथ। तुमने ऐसी कैसी दीवार बनाई थी, इतनी कमजोर थी और वो दीवार गिर गई है और इसका भाई मर गया है, तो तुमको तो पनिश मैं करूँगा ही करूँगा और तुमको मैं मतलब फांसी दे दूंगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर्स प्लीड प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर। तो इसके पहले कि उसको फांसी दी जाती तो उसने ब्रिकलेयर जो दीवार बनाने वाला था उसने बोला कि एक बार आप मेरी बात तो सुन लीजिए। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नॉट गुड। मैंने ये दीवार बनाई थी और ये अच्छी नहीं थी। बट डेट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। ये इस वजह से हुआ कि उस समय दीवार बनाने में मेरा दिमाग अच्छे से नहीं लग रहा था। I remember very well a dancing girl who was going up and down the street all day with her ankle jingle and I couldn't keep my eyes on my mind on the wall I was building. You must get the dancing girl and I don't hear seen it. उसने बोला मेरा दिमाग उस समय था नहीं क्योंकि एक डांसिंग गर्ल थी यानी डांस करने वाली, वो बार बार तो गली में कहीं ऊपर जा रही कहीं नीचे जा रही, तो और उसने पायल पहनी हुई थी जिसमें से बहुत आवाज आ रही थी, तो मेरा दिमाग उस लड़की के ऊपर था इसलिए मैंने अच्छे से वो दीवार नहीं बना पाई। इसीलिए आप उस लड़की को लेकर आइए, उसकी गलती की वजह से ही मैंने कमजोर दीवार बनाई है। तो अभी तक अपन ने इस स्टोरी में यहाँ पर जाना कि एक दूसरे पर एक्सक्यूज यानी कि इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन जानते हैं कि आखिरकार राजा ने कौन सा जस्टिस किया और किस पर ब्लेम आता है। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में।